जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा, अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज फिर हमारे दोस्त साजिद तारड़ साहब हमारे साथ हैं। और आपको पता है कि अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और मुस्लिम पर ट्रंप के लिए बड़ा काम किया है इन्होंने। तारड़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर और अस्सलाम वालेकुम टू योर व्यूअर्स। थैंक यू। अच्छा सर, आज आपसे अहम बात करनी है, और वो ये बात करनी है कि जो एक एक तो ये जो मुस्लिम दुनिया जो है वो किस तरह की प्लानिंग कर रही है फलस्तीन के लिए, और दूसरा अमेरिका की क्या फॉरेन पॉलिसी है जो फलस्तीन के हवाले से, इसराइल लॉबी कितनी स्ट्रांग है, और यूएस पॉलिसी क्या है फलस्तीन और इसराइल की तरफ से, और ये जो मुसलमान है पिछले 52 साल से ओआईसी बनी हुई है, और 52 साल पहले भी इसी मकसद के लिए ओआईसी बनी थी, और उस वक्त भी ओआईसी ने कुछ नहीं किया, 52 साल बाद भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो इस सारे इश्यू पे बात करनी है सर। सबसे पहले ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में एक कंसेंसस रेजोल्यूशन जो फलस्तीन और इसराइल के ऊपर नहीं आने दे रही, इसकी क्या वजूहात हैं, और अमरीका को बड़ी सख्त तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है। आप अमरीका में बैठे हुए हैं, वॉशिंगटन में बैठे हुए हैं, आप इन चीजों को कैसे देख रहे हैं ताड़ साहब? मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक आप माजी को थोड़ा सा सामने आप ना रख लें, आप फ्यूचर फोरकास्ट नहीं कर सकते। तो इस सारे अलमियों को देखने से पहले आपको कश्मीर का रिसेंटली 10 सालों में आपको कश्मीर का मसला भी देखना पड़ेगा, आपको बर्मीज मुसलमानों के हालात भी देखने होंगे, उसके बाद अफगानिस्तान में मुसलमान मुसलमान का गला काट रहा है, सीरिया में मुसलमान मुसलमान का गला काट रहा है, और उसके बाद ये आखिरी अब ये अगला सीन फलस्तीन का शुरू हो चुका है। मुसलमान उम्मा का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। 7 अरब ममालिक ने मोदी साहब को कश्मीर में कर्फ्यू के दौरान मिडल ईस्ट में बुलाकर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए, और उनको जस्टिफाई इस तरह किया कि अब स्टेटें अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेती हैं, मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अपनी ट्रेड बेस अपनी जो है वो लेती है। अब वो क्यों ले रही है, वो उसका एक अलग कहते हैं ना तशखीस मिडल ईस्ट की, ये है कि इस वक्त वो पुराना जो अरब डीएनए था वो डीएनए नहीं रहा। इस वक्त जो हमारे बादशाह हैं, हमारे जो किंग्स हैं, वो सारे लंदन एजुकेटेड हैं, उनकी आदों की बीवियां और आदों की माएं जो है वो ब्रिटिश और फ्रेंच और दूसरी हैं। वो अक्सर फ्रांस में रहना पसंद करते हैं, लंदन में रहना पसंद करते हैं, तो वो अब वो वेस्टर्न ट्रेड हैं और वो ट्रेड ट्रेड चाहते हैं। वो कहते हैं जी हमारे महल बने, हम फरारी चलाएं, हम रोलेक्स पहने, और इस तरह की वो उनकी प्रायोरिटी इस्लाम नहीं है, वो कॉन्सेप्ट इस्लामिक उम्मा का वो खत्म हो चुका है। एक तो ये, और दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा दूसरी तरफ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ ये हो रहा है चीमा साहब, 2 बिलियन मुसलमान, आप ये बताएं कहां पे दुनिया में किस जगह पे मुसलमानों को जलीलो ख्वार नहीं किया जा रहा, इंक्लूडिंग इंडिया। अब जुल्म इंडिया में यहां तक हो रहा है कि मुसलमानों को अस्पताल में दाखिला नहीं दिया जा रहा कोविड की वजह से, सिर्फ उनको रिलीजियस बेस पे एक इबरत का निशान बनाया जा रहा है इंडिया में, उसके लिए क्या कर रही है मुस्लिम उम्मा, कुछ भी नहीं कर रही। अब उसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान के जो शहजादे हैं, जो शहनशाह है, वो क्या कर रहे हैं, हमारे बिलावल साहब, हमारे मुस्तकबिल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उर्दू भी नहीं जानते, इस्लाम का तो बहुत दूर की बात है, और दूसरे शहजादे जो हैं, जो लंदन वाले हैं, जो जिनकी 300 400 प्रॉपर्टियां हैं, वो लंदन वाले शहजादे वो भी बाहर के पड़े हैं, कोई इस्लाम का नहीं पता, कौमियत पाकिस्तानियत जीरो, एस्टेब्लिशमेंट बाहर आके पिज्जे खा रही है, एस्टेब्लिशमेंट के अपने बच्चे जो हैं, आपके पाकिस्तान में फैशन है कि जो एस्टेब्लिशमेंट का बच्चा एक आध लाजमी बाहर पढ़ना चाहिए अमेरिका में या लंदन में, ये फैशन है। आपके ज्यादातर इस वक्त सीएसएस ऑफिसर या तो वो फॉरन एजुकेटेड है खुद, या फिर आपके एस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त जो मुलाजमीन है आपके हाई रोलर जो है, मैं बात कर रहा हूं 20 ग्रेड से ऊपर वालों की, उनकी बीवियां या ब्रिटिश होती हैं या बीवियां कनेडियन होती हैं। और मैं पाकिस्तान में नैब वालों को या पाकिस्तानी कौम को एक और बात बताना पसंद करूंगा कि खुदा रा अगर अपना चेहरा देखना है तो ये देखें कि आपके रिटायर एस्टेब्लिशमेंट की जुडिशरी और जनरल रिटायर होने के बाद कहां जाते हैं, वो कहां किन किन मोहल्लों में और किन किन बाहर के कंट्रीज में जाके जिंदगियां गुजारते हैं, ये एक हमारे खून में पेनिट्रेट कर चुकी है हर चीज, करप्शन हमारे डीएनए में जा चुकी, हमारी कहते हैं ना उसमें बोन मैरो में चली गई। अब मैं दूसरी तरफ कमिटमेंट देता हूं, 2 मिलियन मुसलमान, 1 मिलियन यहूदी, इजराइल
$7 बिलियन का आर्मामेंट्स बना के पिछले साल उन्होंने इंपोर्ट की, $7 बिलियन। छोटा सा मुल्क है बिल्कुल, आप नक्शे में ढूंढे तो ढूंढने की कोशिश करनी पड़ती है, देखने की कोशिश करनी पड़ती है। $7 बिलियन का असला बना के बेचा उन्होंने। 83% ड्रोन जो दुनिया में इस वक्त मिलिट्री ड्रोन, वो इसराइल के बने। अब मैं दूसरी तरफ कमिटमेंट बताना चाहता हूं क्या है उनकी। जेरेड कुशनर जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब का दामाद था, वो सैबत करता था, कमिटेड यहूदी था। सैटरडे को वो ना एलिवेटर में चढ़ता था ना किसी मशीनरी को हाथ लगाता था। उसने पूरे अमेरिका का जो रुख था वो सारा इसराइल पे कर दिया था। ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार गए, नहीं तो इसराइल ने भी, सऊदी अरेबिया ने भी इसराइल को एक्सेप्ट करना था और पाकिस्तान ने भी तस्लीम करना था। अब दूसरी बात, इस वक्त कैमला हैरिस का हस्बैंड यहूदी है, उसके बाद आप इसराइल यहूदी की बात कर रहे हैं। यहां पे हर कांग्रेसमैन और सेनेटर ने यहूदी लाबियों को यहूदी थिंक टैंक से इजाजत लेके इलेक्शन में आना होता है। एक तो होता है कंपेन में फंडिंग, एक होता है इजाजत लेना, उन्होंने प्लान देना होता है जाके यहूदी थिंक टैंक्स को और उनकी इंस्टीट्यूशंस को कि इफ आई विन मैं इसराइल के बारे में क्या ख्याल रखता हूं। अच्छा, रखना भी चाहिए, मैं उसकी बात थोड़ी सी और बताना चाहता हूं अमेरिका क्या था और क्या है। अमेरिका इसकी हिस्ट्री पढ़े तो इट वॉज अ रॉ मार्केट फॉर द यूरोपियन फैक्ट्रीज। यहां से काटन जाती थी तो वूल लंदन में बनती थी, यहां से टबाको जाता था तो सिगरेट लंदन में बनते थे इंग्लैंड में, और अमेरिका वॉज ब्रिटिश कॉलोनी। इसको सुपर पावर बनाया भी यहूदियों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। आइंस्टाइन देखें कौन था, यहूदी था। इन्होंने डील बनाई थी जब इन्होंने हिटलर के बाद यहूदी साइंटिस्ट जो जर्मनी से लाए थे, इन्होंने कहा था या तुम आप पे वॉर क्राइम्स चलाए जाएंगे या आप अमेरिका के लिए आके काम करो, तो दे केम हियर टू अमेरिका एंड दे टुक अमेरिका टू द मून। अब उसके बाद जरा मैं उनकी कमिटमेंट बताना चाहूंगा आपको। आप जुकरबर्ग से पूछें इसराइल के लिए उसकी क्या फीलिंग्स। आप स्टारबक्स आपका ब्रांड है यहां पे पूरे यार सारी दुनिया बड़े शौक से पीती है, पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने $1 के कप को $6 का कर दिया, सिर्फ फैशन बना दिया, वो यहूदियों की। अब वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के बारे में सोच रहा है। हम क्या है, सोचना ये है हम क्या है। मैं उस 1 मिलियन लोगों ने जिन्होंने 2 बिलियन मुसलमानों को यरगमाल बना रखा है, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा। मैं ब्लेम करूंगा अपने शहजादे जिनकी 50-50 बच्चे हैं, जिनके महल, जिनके स्टोरियां, जिनके दुबई में बिल्डिंगें अरबों से ऊंची हैं, मैं उनको ब्लेम करूंगा। आप पाकिस्तानी इस वक्त सारे बड़े गर्म हो रहे हैं, फेक न्यूज फेंक रहे हैं जी हमारे जहाज फलस्तीन पहुंच चुके हैं, और तुसी कश्मीर किन्ने के जहाज भेज रहे यार, खुदा का नाम लो। तुसी आप सुबह उठते हो दिहाड़ी वार हो, तुम्हारे लीडर भी दिहाड़ी वार है, खाओ पियो मौज करो, ये एवं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। अपना गिरेबान पहले झांको कि खुद क्या हो रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान किधर जा रहा है। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, बर्बीज, खुदा की कसम है, मैं यहां से बल्कि चीमा साहब मैं भी पाकिस्तानी हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई फ्रेंच हूं, मेरे मैंने भी क्या किया ना कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ कर सका ना इस्लाम के लिए कुछ कर सका, लेकिन रोता चीखता जरूर रहा हूं बर्बीज मुसलमानों के लिए। जब उनको किश्तियों में डाल के तो धकेल दिया जाता था तो वो बेचारे किश्तियां लेके कभी थाईलैंड कभी किन मुल्कों में जाते थे, उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। कोई पाकिस्तानी एम आई का लाल उठा हो, बलोचिस्तान सारे का सारा खाली पड़ा है, को कहते हैं यार यहाँ पे कुछ मेरा मकसद 10 एकड़ जमीन ले लो, 20 एकड़, पूरा मुल्क तो बैरियर टाउन बना दिया आपने, उनको ही एक्सेप्ट कर लेते मुसलमान, सिर्फ मुसलमान होने की वजह से वहां से लूटा गया, उनकी बच्चियां जो है वो दुनिया के सब ब्राथल्स में पहुंच गई हैं। उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम कहां गया, उस वक्त इस्लाम किधर गया, आज सारे एंकर बैठे, मैं आज भी देख रहा था बैठ, आज एक एंकर साहब का मैंने प्रोग्राम सुना, कहते हैं इसराइल दुनिया में डरता है तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से डरता है। ओ मैं क्या, खुदा दा नाल हो यार, खुदा दा नाल हो, दुनिया को क्यों मिसलीड कर रहे हो और पाकिस्तानियों को क्यों खराब कर रहे हो। मेरी तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट होगी मौलाना फजलुर रहमान से, और खुदा का नाम है मदरसों को बच्चों को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे तो भाग भाग के आते हो, वो बयान ही दे दो इसराइल के खिलाफ, वो भी जरूरत नहीं है। तो ये इस पे, और आज मैं बजे गया इसका कंक्लूड भी करूंगा मैं, चीमा साहब मैं आज आपसे वादा करता हूं कुछ भी नहीं होगा फलस्तीन का, इसराइल मार मार के जब थक जाएगा तो वो छोड़ देगा। अब अमेरिका की बात बताता हूं, ब्लैक लाइव मैटर की गवर्नमेंट है यहां पे और उनको कोई शर्मो लिहाज नहीं है, कोई शर्मो लिहाज नहीं। स्टेट डिपार्टमेंट का बयानिया ये है कि इसराइल हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस, और यार पत्थरों से सेल्फ डिफेंस, एक पार्टी के पास दुनिया का पॉसिबल F-16 हर चीज है उनके पास, और दूसरी तरफ बटे हैं उनके पास पत्थर है, पत्थरों से सेल्फ डिफेंस को कह रहे हो इसराइल हैज अ राइट टू सेल्फ डिफेंस,
शर्म भी नहीं आती इस तरह की स्टेटमेंट देने से पहले। 200 बंदा मर चुका है वर्सेस 10% इजरायली, वो भी मेरा ख्याल है गलतियों से इधर उधर गाड़ियों के नीचे आके मरे होंगे। मैंने चीमा साहब, मैं आज से 20 साल पहले यहां पे वाशिंगटन डीसी में एक डिप्लोमेट्स का क्लब है, उसको कहते हैं कॉस्मोस क्लब, वहां पे बैठा था एक छोटे से इवेंट में जिसमें 15-20 लोग थे। इजराइल का एम्बेसडर वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस 20 साल पहले। उस वक्त इन्होंने जनीन का घेरा डाल के तो इन्होंने ऊपर से अटैक करना शुरू किया था। मैंने उसको उस वक्त क्वेश्चन किया था, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट रेशियो ऑफ कोलैटरल डैमेज। आज भी मेरा वही क्वेश्चन है। इंसानियत के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा यह है कि 200 मुसलमान और 10 इजरायली, जिनमें 31 या 35 बच्चे हैं। और आज रिसेंट अभी जो न्यूज है कि वहां पे 2 स्कूलों पे अटैक करने लगे हैं। अल जजीरा के ऑफिस तो उन्होंने गिरा दिए ना, मुझे वहां पे सारा कुछ, क्योंकि उनको वहां से रिपोर्टें निकल रही थी। असल में सबसे बड़ी बात, इस वक्त दुनिया ने उनको लाइसेंस खुला दे दिया कि मारो जितने मार सकते हो, लेकिन बाहर रिपोर्टें ना आए। और उसका हल उन्होंने सबसे पहले यह निकाला कि वहां पे मीडिया बिल्डिंग तबाह की। और लेकिन इस पे कुछ भी नहीं होगा। इस पे मैं आपको कह रहा हूं, हम इस वक्त आप सलाउद्दीन यूबी का इंतजार ही कर सकते हैं, होगा कुछ नहीं, क्योंकि सलाउद्दीन यूबी बड़े अरसे से पैदा नहीं हो रहा। ये एक अलमिया है, 2 बिलियन वर्सेज 1 मिलियन, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप उस 1 मिलियन को ब्लेम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते आप। आप उन 2 बिलियन को एक्सप्लेन आप करेंगे कि 2 बिलियन आसपास क्या है, उनके 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 कंट्रीज किस तरह चल रहे हैं, उनके हालात क्या है, वो चुप क्यों है। आपका, मैं कहता हूं, यूरोपियन यूनियन ने फिर भी आवाज उठाई है। आप जिस फ्रांस को पत्थर मार रहे हैं, मैक्रॉन ने फिर भी कॉल की है उसको रोकने के लिए, लेकिन उसकी वजह, लेकिन आपकी OIC जो है वो उसको कंक्लूड नहीं कर सके, वो इकट्ठे नहीं हो सके, अरब इकट्ठे नहीं हो सके, उनकी कोई बयानियां नहीं है, तो आप उनको ब्लेम करेंगे। ये आप मेरा तो अलमिया कहते हैं, नॉलेज इज द बिगेस्ट कर्स। आप जितना इसको पढ़ेंगे देखेंगे आप उतने दुखी होंगे। मैं सारा दिन आजकल मैंने दूसरे सारे चैनल छोड़ के 24/7 अल जजीरा देख रहा हूं, अल जजीरा, क्योंकि कोई भी कोई नहीं बता रहा, CNN कोई बिल्कुल कवर नहीं कर रहा इसको, दूसरे भी कोई कवर नहीं कर रहे अमेरिका में, अल जजीरा कवर कर रहा है, BBC कुछ बोल रहा है, दूसरे सारे जो उनके आउटलेट्स हैं वो चुप करेंगे। मुझे शर्म वाली बात है कि ब्लैक लाइव मैटर वाली गवर्नमेंट अमेरिका में, जो अलंबरदार इंसानी हकूक की, उन्होंने कश्मीर को भी जस्टिफाई नहीं किया, उन्होंने बर्मा को तो देखा भी नहीं है। चाइना में मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं सिर्फ इसलिए कि अपने पॉलिटिकल गेन के लिए, और आज फलस्तीन के लिए बिल्कुल उनके चुप क्या होना। उन्होंने तो ग्रीन लाइसेंस दिया इसराइल को कि मारो जितना मार सकते हो, हम इसमें इन्वॉल्व हो गए। ये वो लोग हैं जो ब्लैक लाइव मैटर की गवर्नमेंट है, जो कहते हैं कि फ्लॉयड के तुमने मुंह के ऊपर पुलिस वाले ने टांग रखी थी तो सारा दुनिया खड़ी हो गई थी, सर अभी तक खड़ी। शर्म ही नहीं आती कि 31 बच्चे मारे गए, 279 लोग, दे आर नॉट फाइटर्स। मैं यह जस्टिफाई नहीं करूंगा कि फलस्तीनियों को कि वो हक पे है कि नहीं हक पे, लेकिन 79 मुसलमान मारे जा रहे हैं, लम्हा फेंक दिया। ये बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा तार साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका के अंदर ये एक काउंसिल है, काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन, उन्होंने ये कहा है कि हम जो बाइडेन का जो एक ईद इवेंट है वो हम बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका है वो अपना गजा अटैक्स और इसराइल को डिफेंड कर रहा है। मुझे ये बताएं कि इस तरह के इवेंट बायकॉट करने से क्या कोई अमेरिका में कोई फर्क पड़ेगा, कोई जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क पड़ेगा, ये मुसलमानों के पास कोई सलूशन भी है, या ये पुरानी घिसी पिटी चीजें हैं जिसके जरिए ये बात करने की कोशिश करते हैं, ना कोई सलूशन निकलता है, ना वो जो अमेरिका में मुसलमान बैठे हैं उनके पास कोई सलूशन है, ना अरबों के पास सलूशन है, ये क्यों ना बैठ बिठा के इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ इस मसले को हल कर लें, बजाय इसके कि 79 इसराइलियों को रोज मरवाते हैं बेचारों को, और वो डिफेंस लेस है, उनके पास असला नहीं है, पैसा नहीं है, वेपन नहीं है, और हम जो है वो ह्यूमन राइट्स के नाम पे वो बातें तो करते रहते हैं, लेकिन क्या फायदा, वो लोग तो वहां शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो आप ये बताएं, मुसलमान अमेरिका में बाइडेन का इवेंट छोड़ के क्या कर सकते हैं, या क्या हो जाएगा इससे? मुसलमानों को ओरिजिनली जाती तौर पे मैंने पढ़ा, मैंने सियासत, अमेरिकन सियासत व्हाइट हाउस में जाके सीखी, इस हद तक जाके सीखी, और मेरे पास वहां से डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं। उसकी वजह यह है, मेरे कई इस वक्त मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, मेरे कई डेमोक्रेट पाकिस्तानी दोस्तों ने बड़ा काम किया डेमोक्रेट पार्टी के लिए, जो बाइडेन के लिए, उन्होंने बड़ा बड़ा पैसा इकट्ठा किया, अपने घरों में बुलाया, ये किया। लेकिन
अफसोस के साथ मैंने मैंने अलान कई दफा कहा था कि डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी उसमें दो लाबियां इतने बुरे तरीके से पेनिट्रेट कर चुकी हैं, नंबर वन यहूदी लाबी, दूसरी इंडियन लाबी, और ये दोनों लाबीज हमारे मुसलमानों के नामों को स्क्रीन करते हैं, हमें आगे नहीं आने देते ना आने देंगे। और वही बात है आज बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में एक भी सिंगल पाकिस्तानी अमेरिकन की अपॉइंटमेंट नहीं है, तो अगर आप उसके टेबल पर ही नहीं है तो आप उनके किस चीज का बायकॉट करेंगे, उसका क्या असर होगा, कुछ भी नहीं। मैं ढिटाई देखता हूं, ढिटाई है ये बिल्कुल। टोनी ब्लिंकन जो ईरान के साथ बड़ा सका बन जाता है उनका आगे पीछे, आज वो डिनाई कर गया मुसलमानों को, फलस्तीनियों को, उनके इस नाइटमेयर जेनोसाइड अटैकिंग सारे कुछ को कंप्लीटली डिनाई कर गया, बिल्कुल खामोश खड़ा है अमेरिका। इससे बड़ी ढिटाई होगी, कंडेम ही कर दो यार, चलो तुमने करना कुछ नहीं, कंडेम तो कर दो, वो तो कंडेम भी नहीं कर रहे, उन्होंने खुला लाइसेंस दे दिया, लाइसेंस टू किल इसराइल को। और मैंने बता दिया कि वो इसराइल सिर्फ उस वक्त ये बमबारी बंद करेगा जब वो अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेगा या मार मार के थक जाएगा, इसके अलावा बिल्कुल नहीं रुकेगा। उसकी वजह यह है जब आपके अरब इकट्ठे नहीं है, अरब लीग ही साथ नहीं है, ओआईसी एक टेबल पर नहीं है, तो फिर दूसरा कौन करेगा आपके लिए? ये एक लम्हा फिक्रिया है, ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। आपने मेरा क्वेश्चन मार्क, मैं कहता हूं फलस्तीन को छोड़ दें चीमा साहब, आप मुझे इस चीज का सवाल का जवाब दे, पाकिस्तान कश्मीर को जस्टिफाई कर रहा है? अगर पाकिस्तान जस्टिफाई कश्मीर को नहीं कर सकता तो किसी का कोई हक पाकिस्तानी का नहीं बनता कि फलस्तीन के ऊपर बात करे। उसकी वजह यह है कि जब अपना अपना आप ही होमवर्क नहीं कर पा रहे हो तो दूसरी दुनिया, और फिर इससे क्या होता है, लोग क्या ख्याल है, इंडिया आपको नहीं ऑब्जर्व करता, आपका दुश्मन आपको कैलकुलेट कर चुका है, आपको देख चुका है कि आप कहां तक जा सकते हैं, कहां तक जाएंगे। इसी तरह इसराइल ने पूरी इस्लामिक दुनिया को 1967 में पहली दफा कैलकुलेट किया था और मुसलसल कैलकुलेट करता है। अब उनको पता चल चुका है कि आपके शहजादे जो हैं वो सारे ब्रिटिश अमेरिकन ट्रेंड है, वो उनको सारी इंटेलिजेंस है, सारा कुछ पता है उन्हें। अब मेरा मकसद है चाहे शहजादा बिलावल हो, चाहे शहजादा मेरा मकसद हमजा शरीफ हो, मरियम शहजादी हो, या मोहम्मद बिन सलमान हो, या आपके इस वक्त तो यहूदी फिर रहे हैं दुबई में, दिन दना दिन दिन कर रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने कैलकुलेट कर चुके हैं आपको पूरे तरीके से, और वो मारेंगे इतना जितना वो मार सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो उतना ही मारेंगे। तो तारण साहब ये बताइएगा कि ये जो मुस्लिम वर्ल्ड ओआईसी का इजलास हुआ, जुबानी जमा खर्च हुआ, कोई रेजोल्यूशन कोई बाइंडिंग नहीं है, कोई मिलिट्री फोर्स नहीं है, और पाकिस्तान में खबरें चल रही हैं कि जी टर्की ने कहा कि हम एक जॉइंट मिलिट्री जो है वो डिफेंस देना चाहते हैं, पाकिस्तान के लोगों ने भी वो उसको कहा जी ये ठीक है, और ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। ओआईसी भी बिल्कुल खामोश बैठी हुई है, जो उन्होंने कहा ना मिलिटरली कर सकते हैं ना सैंक्शंस लगा सकते हैं, बल्कि जिन ममालिक ने रिसेंटली तारड़ साहब यूएई ने और बहरीन वगैरह ने जो रिकग्नाइज किया है इसराइल को वाशिंगटन के अंदर, वो तो खामोश है, उनके मुंह से तो आवाज नहीं निकल रही। तो ये ओआईसी जो है ये क्यों दुनिया को सही हकीकत नहीं बताती कि हम जब 52 साल पहले आपकी ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी तब भी कुछ नहीं किया, 52 साल गुजर गए आपने कुछ नहीं किया, ये लोगों को क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? और आप क्या समझते हैं ये सियासतदान इसी तरह पॉलिटिक्स करते रहेंगे? इमरान खान साहब पाकिस्तान में कहते हैं आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड आई स्टैंड विद गजा, तो क्या कोई इसके लिए हमारे पास लाया अमल क्यों नहीं रहा आज तक? ना हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की, ना जो इनोवेशन में की इन्वेस्टमेंट की, आपने इसराइली ड्रोन्स का बताया किस तरह वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, तो ये इसका मतलब यह है कि ओआईसी हो, मुस्लिम वर्ल्ड हो, इमरान खान हो, ये सारे के सारे बगैर सोल्यूशन के दीवार के साथ टक्करे मार रहे हैं और अवाम को मजीद कंफ्यूजन, और इसको मैं कहता हूं ये एक पैसिव रेडिकलाइजेशन। और मैं तारण साहब एक पॉइंट भी यहां पे लिंक कर दूं इसी क्वेश्चन के साथ और कमेंट के साथ कि पाकिस्तान में जो अर्तुगरुल ड्रामा दिखाया गया, लोगों ने यहां बात करनी शुरू कर दी, भाई जिन जिन लोगों ने वो अर्तुगरुल ड्रामा देखा, मौका आ गया, जाओ वहां पे और जाके फलस्तीन में लड़ाइयां करो। तो हाउ डू यू सी दिस सर, ये क्या क्लैरिटी का टाइम नहीं है? दिस इज द टाइम फॉर स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड। देखें अब जिस तरह मैंने आपको कहा कि इसराइल ने बड़ी अपनी कैलकुलेशन कर रखी है, इस्लामिक वर्ल्ड को स्टडी कर रखा है, इसी तरीके से तैयब अर्दगान साहब ने भी कैलकुलेशन कर रखी है कि अगर वो फलस्तीन के लिए आवाज उठाते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी टर्की में बढ़ जाती है। इसी तरह हमारे खान साहब ने भी बड़ी अच्छी कैलकुलेशन की है
कि ऐसे मुल्क में जहां मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे लोग पॉपुलर हैं, तो उन्होंने भी आके कॉन्सेप्ट रियासत मदीना का दिया पॉपुलरिटी गेन करने के लिए। ये जो बयान दिए जाते हैं तैयब अर्दगान साहब की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, ये सिर्फ लोगों में पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए दिए जाते हैं, इसका पॉलिसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। अब मैं ओआईसी के बारे में बताता हूं। ओआईसी का असली चेहरा देखना तो आपको शायद याद होगा कि जब उन्होंने कश्मीर के बारे में इजलास भी नहीं बुलाया था, उस वक्त थोड़ा सा इमरान खान साहब ने या हमारे इन्होंने नाम लिया था कि हम अपने अपना एक अलग ग्रुप इकट्ठा करते हैं कश्मीर की सपोर्ट के लिए। उन्होंने उसी वक्त पैसे वापस मांग लिए थे, उन्होंने उसी वक्त पाकिस्तान को कॉर्नर में लगा दिया था, पाकिस्तान की चीखें निकलवा दी थी सऊदी अरेबिया ने। ये असली चेहरा है ओआईसी का। उसमें मैंने आपको पहले बता दिया कि ओआईसी एक वही मुस्लिम उम्मा है, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसकी कोई फुटिंग नहीं है। उसकी वजह यह है वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड डिसीजन लेते हैं। उन्होंने खुद ओपन चैलेंज करके जब मोदी साहब को हाईएस्ट नेशनल अवार्ड दिया, उन्होंने कहा कि वी विल मेक आवर डिसीजंस बेस्ड ऑन आवर ट्रेड एंड इकॉनमी एंड आवर ओन इंटरेस्ट। उसके बाद ओआईसी भी बिल्कुल वही है। देखिए मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में, आप मुझे ये बताएं वहां पे जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ है, उसके बाद नॉर्म सिटी के अंदर जिस तरह इसराइल की जो वहां इन्वेस्टमेंट और सारी जो को प्लानिंग हो रही है, आप समझते हैं कि वो अपना इस्लामिक उम्मा अगर सोची जाए तो उसको लीडर करने की सलाहियत रखता है सऊदी अरेबिया? नहीं रखता, क्योंकि उन्होंने अपना एक बेसिक जो जितना बहुत बड़ा एजेंडा फिलॉसफी थी वो उसी को बिट्रे कर चुके हैं। पहले समझा जाता था कि सऊदी अरेबिया इसराइल के लिए सबसे बड़ी थ्रेट होगा या उनके लिए चैलेंज था। तो हमारे नए शहजादे जो अमेरिका से पढ़ के गए हैं, अमेरिकन बीवियां साथ लेकर गए हैं, अमेरिका से ट्रेंड वादे करके गए हैं, उन्होंने नॉर्म सिटी बना दिया है, उन्होंने मूवी थिएटर खोल दिए हैं, औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस दे दिए हैं, दमादम मस्त कलंदर के नारे लगा रहे हैं, वो अब बात नहीं रही। वो चीमा साहब वो दिन गया जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे, 2 बिलियन लोगों को अगलों ने 1 मिलियन ने सामने खड़े होकर दिखा दिया। जेरेड कुशनर ने उन्होंने कहा असं वही करा जो सा दिल करेगा। हम लोग स्वाय तकरीरों के स्वाय बयानात से आगे नहीं जा सकते। वो मैं अफसोस के साथ मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि पाकिस्तान के बारे में मैं जितना यहां पढ़ता हूं, नॉलेज लेता हूं या जितना दर्द रखता हूं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बैठे हुए लोग बहुत लस्सी पी के सुते पे, कोई समझ नहीं उन्होंने आ रही है की करना है, बेचारे वोट पाते किनू ने जाते किधर ने वोट उन्हें दे। मेरा मकसद है कि उसे तो कोई ऐसा गेम हो रही है पाकिस्तान से, कोई खिलाई मखलूक बना देता है, कोई ब्लेम करी जाता है, कोई किन्होंने ब्लेम करी। मेरा मकसद है कि मैं कसम से मैं कश्मीर में मुझे आप फलस्तीन की बात मैं तो अभी तक कश्मीर नहीं भूलिया सकता। मुझे तो अभी कश्मीर सुबह शाम याद आता है कि वहां पे क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ इंडिया में क्या हो रहा है। अच्छी खासी पॉपुलेशन है 25 करोड़, वो यूनाइटेड नहीं है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मेरा मकसद कभी वो कोरोना जिहाद बना देते हैं, कभी कोरोना लेके अस्पतालों में जाते हैं उनको दाखिल नहीं करते, उनके हालात फलस्तीनियों से कम है, वो भी हालात उनकी लिंचिंग की जाती है, इकट्ठे होकर मारते हैं, वो उनसे नारे लगवाते हैं उनके 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 सरों के ऊपर, उनकी गर्दनों के। ब्लैक लाइव मैटर वालों को ये सोचना चाहिए कि इंडिया में मुसलमानों के गलों के ऊपर टांगे रखे, वो कहते हैं जय श्री राम का नारा लगा तब छोड़ेंगे तुम्हें, या तो इसको डिनाई करें आप। और मुझे सबसे बड़ी बात बताएं, मेरे अक्सर इंडियन दोस्त जो मुझे अक्सर कहते रहते हैं और यार खुदा का नाम लो तुम्हारा वो यूपी का जो चीफ मिनिस्टर नौज बिल्ला उसने कहा था मुसलमानों की औरतों को हम कब्रों से निकाल के रेप करेंगे, मेरे मतलब या तो उसको डिनाई करें मुसलमानों के ये हालात है, क्योंकि कैलकुलेट कर चुके हैं वो भी। बीजेपी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया को यह रगमाल बना रखा है, उन्होंने भी कैलकुलेट कर रखी है कि मुसलमान जो है हमारे वैसी साहब आगे पीछे सिर्फ तकरीरें ही कर सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते, वो भी कैलकुलेट कर चुके हैं। जिनकी औरतों को, जिनकी माओ को, दादियों को, नानियों को उन्होंने कहा कब्रों से निकाल के हम रेप करेंगे, कोई उसके उसके ऊपर आवाज निकली किसी की तो उसने कर दी, बोलते ही डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो ये दुनिया असल में कैलकुलेट कर चुकी है मुसलमानों को, और वो बिल्कुल वो जो मर्जी है करते हैं। मैं उसमें जालम को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं उस मजलूम को ब्लेम करूंगा जो सर नीचे करके जूतियां खा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा तार साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, तो आप क्या समझते हैं कि फिर मुस्लिम उम्मा के अंदर अगर जमहूरियत आ जाए, सियासी निजाम एक हो जाए और हम एक जैसा सोचना शुरू कर दें, जिस तरह यूरोप के अंदर सियासी निजाम एक है, वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक होने की वजह से वहां की सोच लोगों की, रियासत की, लीडरशिप की सोच एक जैसी है, ये ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप तारड़ साहब इसी वजह से है ना कि उनकी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, मीडिया फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो भी उन्होंने एक मॉडल रखा हुआ है वो एक है। हमारा मॉडल जो है कहीं अथॉरिटेरियनिज्म है, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं
जो है वो हाइब्रिड सिस्टम्स हैं, कहीं पे किंगशिप है, कहीं पे कुछ है। तो आप समझते हैं कि अगर शायद मुस्लिम दुनिया में एक निजाम आ जाए तो शायद मुस्लिम दुनिया की वो डायरेक्शन मिल जाए जो डायरेक्शन इनको चाहिए। देखिए असल में मैंने अमेरिका में रह रहा कि वेस्ट का इंटरेस्ट देखा है कि किस तरह ऑपरेट करते हैं। मैं ये डेमोक्रेसी का लंबरदार है, लेकिन इनको डेमोक्रेसी अपने टाइप की चाहिए। सबसे बड़ी मिसाल इजिप्ट की आपके सामने है, वहां पे अख्वानुल मुस्लिमीन एक मेजोरिटी वोट लेके जीते थे, लेकिन वो इनको पसंद नहीं थी, कूक करा दिया उन्होंने वहां, अपनी मर्जी का ले आया बंदा। इनको सियासी नुमाइंदा भी चाहिए, अपनी मर्जी का चाहिए। ये जमहूरियत नहीं है, ये तक्का, इसको कहते हैं पंजाबी तक्का है। इनको जमहूरियत भी चाहिए लेकिन अपनी मर्जी की खुली हो, दमादम मस्त कर अंदर करे। अगर वो इस्लाम का नाम लेगी तो उसको इबरत का निशान बना ली। अब दूसरी तरफ इस्लाम की हालत ये है, अब ये देखें कि देखें मजाक, मैं अगले दिन इतना मुझे दुख हुआ इस बात का, तालिबान ने दुकान अपनी जंग की 3 दिन के लिए बंद कर दी। उन्होंने कहा जी दुकान 3 दिन के लिए बंद रहेगी। दसो इस गल कोई दुनिया में कुछ शर्म लिहाज देखा, मार किसको रहे हो, मुसलमान मुसलमान का गला काट रहा है 3 दिन के लिए दुकान। वो कहते हैं बाद इश्तिहार लगा होता है उतार बंद है, इसी तरह वो कहते हैं दुकान 3 दिन के लिए ईद की वजह से बंद है, चौथे दिन से फिर गोलियां चलानी शुरू करेंगे। तो वो इन चीजों से निकलेंगे। असल में वो आपको जमहूरियत किंगशिप वाली बात नहीं है, अंदर कौमियत कोई नहीं है, नेशनलिज्म कोई नहीं है, इस्लाम कोई नहीं है। इस्लाम के फंडामेंटल्स आप बेसिक्स को भूल चुके हैं। रोजे पे जोर है लेकिन ये नहीं सोचना कि रोजे में जखीरा अंदोजी नहीं करनी। रोजे में 11 महीने, मुझे अक्सर दोस्त कहते हैं 11 महीने के पैसे 1 महीने में बनाने होते, ये रोजा है। हम इन चीजों से दूर जा चुके हैं। पाकिस्तान बनाया था जिस चीज के लिए, उसको हम डिनाई कर चुके हैं। हम उसको समझ नहीं सके कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया था। इकॉनमी एक रीजन थी, बनिए से जान छुड़ानी थी, लैंड रिफॉर्म करनी थी, मजालम थे, हिंदुओं से इन्फीरियर थे आप, उनके वो ताकतवर थे पैसों में, हर चीज में, तालीम में, उनसे जान छुड़ानी थी। लेकिन वो करके भी आपने क्या किया? आप फिर अभी तक आप लंदन, आपका तो लंदन सारा काम चल रहा है ना सर। आप मुझे ये बताएं, इलाज भी वही है, छुट्टियां भी वही है, हर बंदा लंदन, तो पता नहीं मेरा मकसद लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क, इससे आगे तो तीसरी तो आई चीज कोई नहीं, दुबई। सारा पैसा आपका सारा लंदन जा रहा है। मैं कहता हूं आपको अगले दिन आइए, मैंने कहा था शायद कि जब भी बाहर से पैसे मिलते हैं दुबई में रेट बढ़ जाते हैं प्रॉपर्टी के, लंदन में रेट बढ़ जाते हैं, जब क्योंकि सारे पैसे तो जाने होते हैं वहां। तो इन चीजों से आपको ओरिजिनली आपके अंदर, मैंने आपको शायद कहा था कि पाकिस्तान में शरीफ आदमी को तो लड़की का रिश्ता कौन ही देता। मैं आपसे छोटा सवाल करूंगा आपके देखने वालों से, 17 ग्रेड है लेक्चरर कॉलेज का, वो भी 17 ग्रेड है, असिस्टेंट कमिश्नर ASP वो भी 17 ग्रेड है, रिश्ता लेके क्यों किसी के घर जाता है? आपके ख्याल में रिश्ता लड़की का बाप रिश्ता किसको देगा? ये सवाल यह निशान है क्यों? अगर असिस्टेंट कमिश्नर ईमानदारी से काम करे, आमदनी उसकी भी कोई नहीं, गाड़ी वो भी नहीं ले सकता, ASP करे तो वो भी नहीं ले सकता, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा इतने ताड़ ताड़ सलूट बैठ दिए, जो लेक्चर रिस्पेक्ट करी करो, मास्टर मास्टर कहते। सर ये आपको हीरोइज्म हीरोइज्म आपको शराफत के बीज बोने पड़ेंगे अपनी सोसाइटी में। आपको बताना पड़ेगा हम शुरफा हैं, हम गंदे लोग नहीं है, हम डाकू नहीं है, असी फ्राडिये नहीं है। ये दोबारा शराफत का बुनियाद रखनी पड़ेगी अपने कल्चर में। जब तक वो नहीं करेंगे आगे आपकी नेशन बिल्डिंग आपका बड़े बुरे हालात, बहुत बुरे। खान साहब से उम्मीद थी क्योंकि इनको सारे सपोर्टर जो थे सारे बेरोजगार पढ़े लिखे लड़के थे, लेकिन अगर तब्दीली का नारा, वो भी बेचारे इस दफा आखिरी चांस था, लेकिन उसके बाद अब मायूसी एक गुना है, हमारा मजहब ये कहता है मायूसी गुना है, नऊज़ बिल्लाह कि हमारे यंग नौजवान पाकिस्तानी लड़के मायूस हों। अगर वो मायूस हुए तो फिर पाकिस्तान के लिए दुआ खैरी हो सकती। चलिए जी, बिल्कुल सही कहा आपने, मुस्लिम उम्मा के लिए और पाकिस्तान के लिए कि हमें हकीकत को अपनाना होगा, हकीकत को देखना होगा, तभी जाके हम जो दुनिया को, जो मुसलमानों को जो चैलेंजेस हैं, हम उनको कम उनका मुकाबला कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सारे तारक साहब, आपके वक्त और आपके जो ख्यालात हैं हमेशा हम उनको एंजॉय करते हैं। थैंक यू वेरी मच।